नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं और सब इनके बारे में। तो सबसे पहले अपन प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर ओपन हो रहा है, प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद अपन सर्च करेंगे आधार कार्ड ऐप सर्च कर लेते हैं, आ जाएगा। तो ये वाला एप्लीकेशन आधार कार्ड डाउनलोड एंड अपडेट, दोस्तों इसकी 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है, इसकी 4.2 रेटिंग है, ये सब कुछ। तो अपन क्या, मैं डाउनलोड कर रखा है तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको अपडेट करना है या डाउनलोड करना है तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। यह ऐसे ओपन होता है दोस्तों। तो इसमें अगर ऊपर ही ऊपर है आधार स्कैनर लोकेट इनरोलमेंट सेंटर डाउनलोड आधार, अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक है डाउनलोड आधार। थोड़ी देर के लिए चलेगा, इसमें टाइम लेता है। थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश चलेगा। भैया टाइम लेगा थोड़ी देर के लिए। दोस्तों अगर मेरा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों यहाँ से अपन जो आधार नंबर दिख रहा है, यहाँ से अपन डाउनलोड करेंगे आधार नंबर से और इनरोलमेंट नंबर। अगर आपका आधार कार्ड घर पे आ गया है तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इससे डाउनलोड करेंगे। इंटरव्यू और आधार नंबर, यहाँ पे आपके आधार नंबर लगाने, यहाँ पे आपका फुल नेम लगाना है, यहाँ पे पिन कोड लगाने और ये इंटर कैप्चा वगैरह यहाँ पे लगा के फिर जनरेट OTP कर देना है। और अगर आपका आधार कार्ड नहीं आएगा तो इस पे जाइएगा, यहाँ पे आपके आधार कार्ड नंबर लगा दें, फिर इसमें लिखा है डेट, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, जो टाइम वो पर्ची मिलेगी उस पे सारा लिखा हुआ होगा वो लगा दें, फिर आपका फुल नेम लगा दें, पिन कोड लगा दें, मोबाइल नंबर लगा दें और फिर ये इंटर कैप। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है तो प्लीज़ आप भी डाउनलोड कर ले। अगर आपको डाउनलोड करना है या अपडेट करना है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा जिस पे OTP आएगा और उसके बाद आपको आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों था आधार कार्ड डाउनलोड करने का। अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे नीचे आइए, अपडेट आधार डिटेल ऑनलाइन, इस पे आपके आधार कार्ड नंबर लगाने और ये टेक्स्ट लगाने, ये वेरीफाई करना है, फिर आपके जो नंबर दिए हुए हैं उन पे ना वो OTP कोड आएगा, वो वेरीफाई करना है, फिर आप जो भी करना हो आप कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जो भी करेक्शन है वगैरह, फ़ोटो चेंज करनी है या फिर कुछ भी चेंज करना है। तो दोस्तों मैंने तो डाउनलोड कर रहा है, तो अगर आपको भी डाउनलोड करना हो तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड।